नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा में पहली बार ब्रज सम्मान समारोह हुआ आयोजन। भाजपा गठबंधन NDA में शामिल होने के बाद मथुरा में पहली बार ब्रज सम्मान समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए रालोद मुखिया चौधरी जयंत सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि पुरानी बातें भूल जाना, अब भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे खोल देना। बताते चले, मंगलवार को मोरकी इंटर कॉलेज के मैदान ब्रज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रालोद मुखिया व राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि आपकी नाराजगी दूर करने और अपना वादा पूरा करने के लिए दो बार माठ विधानसभा से विधायक का चुनाव लगातार दो बार बहुत ही नजदीकी अंतर से हारे योगेश नौहावार को MLC बनाकर लखनऊ भेजा है, जो वादा 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान माठ क्षेत्र की जनता से किया उसे योगेश को MLC बनाकर पूरा कर दिया है। रालोद में वफादारी से कार्य करने वाले हर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाएगा। आगे कहा कि केंद्र व राज्य सरकार में शामिल रहकर रालोद के सभी नेता किसान और मजदूर की आवाज उठाते रहेंगे। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा, जयंत चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो सर्व समाज के हित में हैं। नवनिर्वाचित MLC व रालोद के कद्दावर नेता योगेश नौहावार ने कहा, विधानसभा में पहले से ही रालोद के 9 विधायक किसानों व मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं और अब विधान परिषद में भी आपकी आवाज बुलंद होगी। MLC बनाए जाने पर योगेश नौहावार ने रालोद मुखिया जयंत चौधरी का आभार व्यक्त किया और पार्टी फंड में 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया। ब्रज सम्मान समारोह में सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी गुड्डू, ठाकुर कुंवर नरेंद्र सिंह, चौधरी प्रीतम सिंह प्रमुख, जिला महासचिव रालोद सोनू प्रधान, जिलाध्यक्ष राजपाल भरंगर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित चौधरी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, राजेंद्र सिंह सिकरवार आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी देवराज सिंह व संचालन जयपाल सिंह प्रधान ने किया। इस दौरान पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सूर्यवंशी, रालोद नेता रामवीर भरंगर, सुरेश भगत, सुधीर प्रधान, MLC योगेश नौहावार की पत्नी चेतना नौहावार, बबिता कुमारी, उमेश चौधरी, युवा रालोद के जिलाध्यक्ष अमित गुर्जर, जिला पंचायत सदस्य कैलाश प्रधान, जिला पंचायत सदस्य अमित चौधरी इगलास, जगवीर नौहावार, सतेंद्र प्रधान, ओमवीर नौहावार, सोनू प्रधान, नीतेश प्रधान, भूरेलाल नेता, सर्वेश चौधरी, रवि बाबा पचेहरा, जयवीर सिंह भूरेरी मौजूद रहे। ब्रज सम्मान समारोह में शामिल हुए भाजपा नेता। मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आयोजित ब्रज सम्मान समारोह में भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य प्रवीण ठाकुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह उर्फ छोटू चौधरी शामिल हुए। समर्थकों साथ रालोद में शामिल हुए श्याम प्रधान। मंगलवार को मोरकी इंटर कॉलेज में आयोजित ब्रज सम्मान समारोह में श्याम प्रधान कंचना ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़कर रालोद का दामन थामा। मथुरा से संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। जो पिछड़ा वर्ग है, वित्तीय सेवाओं का उनको लाभ पहुंचाना, उनके बैंक के खाते खुले, अगर वो कर्ज चाहते हैं उनको कर्ज सुलभ और सरल मिले, इस व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य जो 17 है उनमें से 8 इससे संबंधित है। और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है और जो कहती है कि हमने इस पैमाने पे पिछले 10-15 वर्षों में भारत में बहुत तेजी से तरक्की, 2011 से लेकर 2020 कितने लोगों के खाते थे, कितने लोग इस व्यवस्था से जुड़े हुए थे, उनकी संख्या में 42% का इजाफा आया, 42%। और उसमें महिला वर्ग की के उल्लेख थे, जो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण सर्वे 5 राउंड हो चुके हैं। पिछला राउंड 2019-21 तक का था, जो जानकारी जो डेटा उस प्रतिवेदन में आया है वो मैं आपके बीच रखता हूँ। छठा राउंड अब हो रहा है।